स्पीड सर्च एंड सिक्योरिटी नेटवर्क्स में मैं काम करता हूँ। हमारी चंडीगढ़ से कंपनी है जो एक लीगल लॉ फर्म है। हमारी कंपनी कई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस कंपनीज का लीगल देखती है। जहाँ भी कहीं डुप्लीकेट की शिकायत मिलती है तो वहाँ पे हमारी कंपनी को अधिकार दिए हुए हैं इनका सभी कंपनीज ने कि हम पुलिस प्रशासन को साथ लेके उस पर कार्रवाई करवाएं। तो हमें हमारी कंपनियों बजाज है, उषा है, प्रेस्टीज है, इनको शिकायत मिल रही थी कि यहाँ से लोग डुप्लीकेसी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं जो डुप्लीकेसी कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी ने फिर अपने लेवल पर सर्च करवाई। यहाँ पहले तो 3 दुकानों के नाम थे कि 3 दुकानदार जो हैं जी वो डुप्लीकेट माल बेचते हैं। तो फिर कंपनी ने उसके बाद अपने लेवल पे अपनी इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने एक कस्टमर भेजा यहाँ पे, तो 3 में से 2 लोग तो मना कर गए कि भाई हम नहीं बेचते। एक ने बोला कि आप जितना मर्ज़ी सामान मंगवा लो हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सामान उन्होंने बताया था कि सारा अहमदाबाद से आता है। तो उन्होंने फिर हमारा जो कंपनी का जो गया था कस्टमर बन के, उसको उन्होंने सामान दिया। हमारी कंपनी के उस बंदे ने परचेज़ किया और वो कंपनी में भेजा। कंपनी वालों ने उसको वेरीफाई किया कि ये डुप्लीकेट सामान है। फिर उसके बाद में कंपनी ने यहाँ पे एसपी साहब से बात की और एसपी साहब से के नॉलेज में सारी बात लाने के बाद उन्होंने आगे रेड के ऑर्डर दिए। कितना माल आपने यहाँ जब किया है गाड़ी में? देखिए अभी तो गिनती चल भी रही है। अप्रोक्सीमेटली 4-5 लाख का माल होगा ये, जो अलग अलग कंपनियों का है। किस दुकान से जब्त किया? कौन क्या? ये जय अम्बे इलेक्ट्रिक नाम से रेलवे रोड के ऊपर रेलवे स्टेशन के सामने दुकान है, ये उनसे जब्त किया गया। तो आपने पुलिस को एप्लीकेशन की शिकायत दर्ज करा दी? जी। वो सुबह एसपी साहब से करवा दी थी, उन्होंने मार्क की थी, तो उसके बाद रेड हुई और अभी एफआईआर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ठीक है।